वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप गल करनी हैगी आइलस राइटिंग की, ठीक है। तो राइटिंग दे विच की आ अपने को जो टास्क टू की गल करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल की लिखते हैं आप इंट्रो, उस तो बाद बीपी वन, बीपी टू और कंक्लूजन, ठीक है। तो अज जिहड़ा आपां करना स्पैशली बीपी की गल करनी है कि बीपी जिहड़े आपां बीपी वन किदां फॉर्म करना और बीपी टू किदां फॉर्म करना, ठीक है। जे किसी स्टूडेंट नूं इंट्रो दे विच प्रॉब्लम आ रही है रीफ्रेज और थीसिस लाइन दे विच, तो वो जिहड़ी एक वीडियो चैनल ते हैगी है, तो तुसीं वो जिहड़ी देख सकदे हो। दस्सिया गया कि रीफ्रेज तुसीं जिहड़ी अपनी 5.5 टू जिहड़े 6 तक हैगी वो रीफ्रेज किस तरीके नाल कर सकदे आ, और जे तुसीं अपनी 7 प्लस जिहड़ी राइटिंग लैके जानी है तो वो जिहड़ी तुसीं किस तरीके नाल कर सकदे हैगे, ठीक है। तो दोनों जिहड़ी इंट्रो तुहानूं समझाईआं गईआं चंगी तरह तुसीं वो वीडियो चैक कर सकते हैं। तो अज आप जी गल करनी है बीपी वन और बीपी टू की गल करनी है। तो फस्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे का, ठीक है। जे आप गल करिए कि जिदा हूँ ऐसे दे विच एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तुसी यूज़ करोगे तो ईजीली जिहड़े थोड़े हैगे 6 बैंड तक रीच करती हैगी आ। तो मैं तुहानू दस्सदी हाँ स्ट्रक्चर तुसी किस तरीके नाल फॉलो करना। हुण जिहड़ी आप इंट्रो रीफ्रेज की गल नहीं करांगे, ना कंकलूजन की गल करांगे, ओनली बीपीज़ की गल करांगे, ठीक है। तो फस्ट ऑफ ऑल की अपने को बीपी दे विच बीपी वन और बीपी टू दे विच 5 पॉइंट बीपी वन च एंड 5 पॉइंट ही बीपी टू दे विच कवर करने होंगे आ। ये जिहड़ा कंपलसरी हैगा गा वह किहड़ा गा, पहला तुसी एक बेसिक लाइन लगा करनी हैगी है, ठीक है। तो वह किदा हुंदी है, वेट, जिदा अपने को बेसिक लाइन पहला पॉइंट हैगा अपने को बेसिक लाइन, ठीक है। ये हुंदा कि बीपी किदा स्टार्ट करना, उस तो बाद टास्क स्टेटमेंट इहदे विच मेन आइडिया, एलैबोरेशन दे विच आपां एलैबोरेट करना कि हाउ, ठीक है। उस तो बाद एग्जाम्पल देनी हुंदी, सर्वे और स्टडी एंड रिजल्ट देना हुंदा। यह 5 पॉइंट अपने बीपी वन च भी कवर हुंदी एंड बीपी टू च भी, ठीक है। हुण काफ़ी स्टूडेंट्स नूं इह तां क्लीयर हैगा कि 5 पॉइंट कवर होने हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तो जिहड़े स्टूडेंट्स हैगे वीडियो नूं फॉलो कर रहे हैगे आ। तो बट जिहड़ा कि आ कुछ स्टूडेंट ना फिर भी मिसटेक करदे आ, लाइक बेसिक लाइन नहीं उन्हां नूं पता चलदा, जिदा टास्क स्टेटमेंट एंड एलैबोरेशन विचे मर्ज कर देंगे है ना, तो वो तरीके ने नहीं करना। मैं तुम्हें कला कला पॉइंट समझाऊंगी कि एक एक पॉइंट के आंदा की है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जे अपने को 5 पॉइंट है तो 5 अपने को 5 कनैक्टर्स हो, लाइक बीपी वन भी 5 कनैक्टर और बीपी टू भी अपने को 5 जे कनैक्टर्स हो, ठीक है। तो पहला जो बेसिक लाइन लिए एक कनैक्टर लगाना, उस तो बाद टास्क स्टेटमेंट लिए एक कनैक्टर लगाना, फिर एलैबोरेशन एंड फिर एग्जाम्पल एंड रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स आप कनैक्टर की हैल्प के जरा कि कवर करेंगे। पहला आप गल करते हैं बेसिक लाइन की, तो बीपी नूं स्टार्ट करूँगी बेसिक लाइन लिखूंगी, वो किदा मैं तुहानूं जिहड़ा इत्थे एक सैंपल आंसर शो कर रही हैगी। देखो पहला जिहड़ा तुसीं कनैक्टर यूज़ किया टू इमबारक ऑन, ठीक है। तो सम स्टूडेंट हैगे टू इमबारक विद लिख देंगे, विद नहीं टू इमबारक ऑन, ठीक है। तो ऑन हुंदा इमबारक दे नाल। तो उस तो बाद कि अपने को जिहड़ी तुसीं लिखनी बेसिक लाइन, बेसिक लाइन आ, देर आर सैवरल बेनीफिट्स कैन बी अटेन्ड विद द हैल्प ऑफ फैमिली सपोर्ट, कि फैमिली की सपोर्ट के नाल जिहड़े सैवरल बेनीफिट है वो ले जाते। हुण आपां नूं पता लग गया कि आपां फैमिली सपोर्ट ते जिहड़ा लिख रहे हैगे, ठीक है। बीपी वन, तो बीपी वन के आप बेसिक लाइन पहले ये दसीए कि देर आर सैवरल बेनीफिट्स कैन बी अटेन्ड विद द हैल्प ऑफ फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट के काफ़ी जो बेनीफिट्स अटेन्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। ये अपनी होगी बेसिक लाइन, क्लीयर है। उस तो बाद अपने को हैगा जदों आप करनी हो इनू बेसिक लाइन आप इस तरीके भी दे सकते, जिदा सम स्टूडेंट लगते देर आर सैवरल रीजन बिहाइंड दिस और देर आर सैवरल बेनीफिट्स ऑफ फैमिली सपोर्टिंग, तुम इदा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जाने की एक सिंपल लाइन जिन्हें अपना बीपी स्टार्ट हो जाए, वो बीपी टू लिए भी चाहिए है, थोड़ा बीपी वन भी चाहिए है। तो उस तो बाद की आ अपने को आ गया टास्क स्टेटमेंट। हूँ टास्क स्टेटमेंट की आ मेन आइडिया भी तुम कहना की चाहते हैं, जाने की मेन पॉइंट देना चाहते हैं, ठीक है। वो जो अपना आऊगा टास्क स्टेटमेंट, जिदा तुम कह रहे हैं कि अपने को फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे आ गया कि जी अपने को हायर जी एजुकेशन हैगी की बेनीफिट्स एडवांटेजेस लिखनिया है ना, ऐसे आ गया। तो तुम टास्क स्टेटमेंट के मान लो हायर एजुकेशन का जरा मतलब कि पॉइंट बना रहे हैं कह रहे जॉब ऑपरचुनिटीज़, ठीक है। कि जे अपन हायर एजुकेशन हायर डिग्री अपने को होगा जॉब ऑपरचुनिटीज़ इंक्रीज होंगे, तो तुम्हें की करना इट हैल्प्स टू इंप्रूव जॉब ऑपरचुनिटीज़ फॉर अ परसन, ठीक है। तो उदो तुम जरा टास्क स्टेटमेंट के लाइन लिखनी है। हूँ जॉब ऑपरचुनिटीज़ किदा इंप्रूव कर एलैबोरेशन के लिखनी है, ठीक है। मतलब टास्क स्टेटमेंट एंड एलैबोरेशन के यही जो अपने को डिफरेंस हैगा कि टास्क स्टेटमेंट के मेन आइडिया आप दस देना कि हैगा गा एक या दो लाइन के, उस तो बाद एलैबोरेट करके दसना गा भी किस तरीके जो वर्क करता वा। एक मिनट थोड़ा पहला टास्क स्टेटमेंट शो कर दी हाँ, लाइक हूँ तुम्हें टास्क स्टेटमेंट के लिए भी एक कनैक्टर चाहिए, वो आप लिखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। तो कनैक्टर यूज़ किया उस बाद लिखिया इज सूटेबल गाइडेंस, एक लाइन आप जो टास्क स्टेटमेंट दे दी की आ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉरमोस्ट इज सूटेबल गाइडेंस, कि सूटेबल जी गाइडेंस हैगी फैमिली तो मिलती है आपको, ठीक है। लाइक जिदा फैमिली आपको एक वधिया गाइडेंस दिंदी हैगी, ठीक है।
तो उस तो बाद ये होगी अपनी टास्क स्टेटमेंट। इतों तक आप एक लाइन से दसता मेन आइडिया, हूँ उस सूटेबल गाइडेंस किदा मिलती है, अपन किस तरीके दे नाल ओ अपना एलैबोरेशन दे विच मेंशन करना। ठीक है, तो लाइक हूँ अपने कोल की आ गया एलैबोरेशन, तो उसके लिए अपने एक कनैक्टर चाहिए, तो आप लगा दिता टू एलैबोरेटेड। ठीक है, उस बार आप कंडीशनल सेंटेंस यूज किया इफ चिल्ड्रन हैव, हूँ आप दस रहे हैं कि सूटेबल गाइडेंस चिल्ड्रन किदा मिलती है अपनी फैमिली तो, इफ चिल्ड्रन हैव स्ट्रोंग बोनिंग विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो उन्होंने को स्ट्रोंग बोनिंग आ, ठीक है, जाने कि फैमिली नाल अपना वधिया जड़ा एक बोंड हैगा गा, ठीक है, तो उन्हें की होगा दैन दे कैन शेयर देयर इन्स एंड आउट्स, इन्स आउट्स मतलब हर एक गल, ठीक है, विद देयर मैंबरस, तो मैंबरस के नाल की करेगा इन्स एंड आउट्स जो ईजीली जो शेयर कर पाऊगा। ठीक है, विदाउट एनी हैजीटेशन, किसी भी हैजीटेशन तो बिना, विच मेक्स दैम, तो हूँ आप जो दस रहे कि विच मेक्स दैम एबल टू फॉलो द गाइडेंस ऑफ देयर गार्डियंस। ठीक है, तो गार्डियंस मतलब आप जो पेरेंट्स यूज़ किया गा कि आप इतने जो हूँ देखो टास्क स्टेटमेंट आप सिर्फ यही दस कि सूटेबल गाइडेंस मिलती है। ठीक है, ये बेनीफिट आ, मेन बेनीफिट की आ कि सूटेबल गाइडेंस मिलती है। हूँ उन्होंने लैबोरेट किया किदा मिलती है, उस दसता कि जो मतलब कि बच्चों का जो वधिया बॉन्ड हों अपने पेरेंट्स ना, वो अपनी सारी गलबात अपने पेरेंट्स ना शेयर करते हैं, तो पेरेंट्स उन्होंने गलबात सुन के उन्होंने सही देंगे। जिदा हूँ आप दसता कि कोई टू ऑप्शन दसती हैं कि जो हूँ आप पेरेंट्स जे अपन सही जी आप जी डायरेक्शन हैगी वाल कहे है ना कि तुम इस डायरेक्शन वाल मूव करो, तो उस तरीके आप जो एक्सप्लेन किया मतलब की है। एक तुम टास्क स्टेटमेंट के मेन आइडिया दस के एग्जामिनर ने एक्सप्लेन करके दसा कि वर्क किदा करता। ठीक है, हाउ इट वर्क्स ये दसना एलैबोरेशन के उदू बाद अपने को आ गया गा एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपना जो थर्ड पॉइंट है एग्जाम्पल ये तुम सर्वे स्टडी पा सकते हैं, एंड तुम एग्जाम्पल एक गल ध्यान रखनी कि परसनल जी एग्जाम्पल ना वो नहीं आप अपने फ्रेंड की पा दी, ठीक है, किसी रिलेटिव की पा दी, और इदा की एग्जाम्पल नहीं ऐड करनी टास्क टू के एग्जाम्पल आप जी तुम इदा नहीं पा सकते, जिदा कोई सर्वे पा दिता, स्टडी पा दी, ठीक है, रिसर्च पा दी, तो ये की हों गा जो एग्जाम्पल पाने सम स्टूडेंट ये कहें कि मैम पास्ट ही होनी चाहिए है, बट जरूरी नहीं है कि पास्ट ही हो, ठीक है, तुम प्रेजेंट भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, ईवन तुसी कोई फ्यूचर प्रडिक्शन भी ऐड कर सकते हैं, प्रडिक्शन, ठीक है, फ्यूचर प्रडिक्शन भी ऐड कर सकते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए भी अपने कनैक्टर चाहिए वो की है, फॉर इंस्टांस। ठीक है, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अ सर्वे वॉज, आप मतलब एग्जाम्पल के लिए एक कनैक्टर यूज किया फॉर इंस्टांस। ठीक है, अ सर्वे वॉज कंडक्टड बाय BBC न्यूज़ चैनल फाउंड दैट अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स स्टूडेंट हैव लैस चांस टू चूज रोंग पाथ एज कंपेयर टू अदर हु आर फॉलोइंग देयर मेट्स। तो हूँ जाने कि आप दसी हैगी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी आप जी अपने रिलेवेंट होनी चाहिए, जो आप आइडिया लिखिया वो की है कि जो सर्वे कंडक्ट होया सी BBC न्यूज़ चैनल वालों कि उन्होंने कहा कि जो अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की गाइडेंस के जो स्टूडेंट चलते हैं है ना, उन्होंने जो लैस चांस होंगे कि वो कोई गलत रस्ते से जाएंगे या कोई गलत रस्ता चूज करेंगे एज कंपेयर टू कंपैरिजन किया कंपलैक्स सेंटेंस के नाल उन्हां मतलब कि वो जिहड़े कि अपने मेट्स नूं, मेट्स मीन अपने फ्रेंड्स नूं जां अपने नाल दियां नूं जिहड़ा फॉलो करते हैं, ठीक है, उन्हां दे नालों वो जिहड़े पेरेंट्स नूं फॉलो करते उन्हां दे घट चांस हुंदे आ कि वो गलत रास्ता कोई चूज़ करनगे। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल दसते कि एक सर्वे ने भी ये दस्या है ना। उस तो बाद अपने को लास्ट जिहड़ा हुंदा पॉइंट वो की है रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट दे विच आपां की करते हुंदे आ एक कनैक्टर यूज़ किया उस तो बाद ओवरऑल BP का करना। ठीक है, हैंस लगा दिता, हैंस तो बाद तुसी की करना है फैमिली इज़ मोर इंपोर्टेंट दैन फ्रेंड्स, तो तुसी लिख सकते इट इज़ क्लीयर दैट फैमिली इज़ मोर इंपोर्टेंट दैन फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो अपनी स्टेटमेंट होगी भी मतलब कि इधर स्टेटमेंट होगी कि मतलब तुसी दसो कि फैमिली ज़्यादा इंपोर्टेंट है और फ्रेंड्स, ठीक है, एग्री और डिसएग्री इदा की जी होगी स्टेटमेंट, दिस वाई आप लिखिए हैंस फैमिली इज़ मोर इंपोर्टेंट दैन फ्रेंड्स। तो यह हो गया अपना जो BP1 का स्ट्रक्चर, तो अपने जो 5 पॉइंट्स इस तरीके कवर होंगे टास्क स्टेटमेंट में, जस्ट मेन आइडिया दसना होंगे, एलैबोरेशन करके दसना होंगे कि हाउ इट्स वर्क। ठीक है, उस तो बाद एग्जाम्पल सर्वे और स्टडी रिजल्ट का ओवरऑल। ठीक है, तो बेसिक लाइन तुम कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके सेम 5 पॉइंट्स तुम BP2 के जो फॉलो करने हैं बेसिक लाइन टास्क स्टेटमेंट एलैबोरेशन एग्जाम्पल एंड रिजल्ट, बट चेंज की होगा कि अपनी जी बेसिक लाइन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप BP2 कुछ होर लिखा, टास्क स्टेटमेंट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि आइडिया अपन BP2 लिए होर चाहिए, एलैबोरेशन भी फिर उस तरीके ही हो जाएगी टास्क स्टेटमेंट की, तो एग्जाम्पल भी आप जी चेंज करने हैं तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कनैक्टर भी तुम 5 डिफरेंस लाने डिफरेंट लाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके जो अपना BP का स्ट्रक्चर होंगे, जो थोड़ा रीफ्रेस के कोई प्रॉब्लम तो उस चैनल पर जी वीडियो अवेलेबल है तुम वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जी अज की वीडियो थोड़े लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।